हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पैरामाउंट स्टडीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2। आज हम करने वाले हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पांच क्वेश्चन बना चुके हैं। ये है इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट है जो जमीन से 60 किलोमीटर ऊंचाई पर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइट एट द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग है वो जमीन से लेकर, तो मतलब पतों को बांधी हुई है ना, जो कि ग्राउंड से अटैच है। अच्छा, ये जो एंगल जो बना रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, मतलब ग्राउंड के साथ में वो एंगल जो बना रहा है, वो स्ट्रिंग वो बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड, एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। आप मान के चलो कि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट है, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें निकालनी है स्ट्रिंग की लेंथ, ओके। तो बच्चों मान लो कि ए बी जो है, ए बी मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब जो जो काइट है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है, 60 मीटर है ना। मतलब ए को मान लेते, ए को मान लेंगे हम काइट और बी को मान लेंगे हम ग्राउंड, ओके, ठीक है। और जो स्ट्रिंग है पतंग से वो जमीन तक बांधा हुआ है, ओके, तो उसे हम मान लेंगे ए सी, है ना। तो लेट लेट ए बी इज ए ए बी इज ए बी इज अ डिस्टेंस, ए बी इज ए डिस्टेंस, ओके। सो लेट ए बी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू काइट। ए और बी क्या है, वो डिस्टेंस है जो कि कितना दिया हुआ है, देयर फोर ए बी इक्वल टू 60 मीटर, देयर फोर ए बी इक्वल टू 60 मीटर, ए बी हमें दिया हुआ है 60 मीटर, ओके। और जो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अटैच, ओके, लेट एंड लेट ए सी, ए सी इज ए स्ट्रिंग, ए सी इज ए स्ट्रिंग, ए सी इज ए स्ट्रिंग, ओके, टाइड, ओके, टाइड टाइड फ्रॉम फ्रॉम काइट, टाइट टाइट टू काइट एंड अटैच टू ग्राउंड, अटैच टू ग्राउंड, ओके। तो ये क्या है, एसी है। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ए बी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके, फ्रॉम काइट टू ग्राउंड। तो ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है 90 डिग्री का। और उसके सामने वाला जो एंगल है, एंगल सी, इसे हम मान लेंगे थीटा, ओके। तो लिखिए यहाँ पर, तो बच्चों फिगर आप ध्यान से देखें, फिगर अगर आप ध्यान से देखें तो हमें हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर हम इसे एंगल सी को थीटा मान लें तो उसके सामने वाली साइड जो है वो अपोजिट साइड ए बी, वो हमें दी हुई है 60 मीटर। और हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है हमें, है
है ना। तो बच्चों ये कौन सा क्या रिलेशन बना इसमें, इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं साइन 60, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखिए यहाँ पर एस साइन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो अपोजिट साइड हमें क्या मिलता है, अपोजिट साइड है ए बी, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ओके, तो बच्चों ए बी हमें दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर साइन 60। अब एक बात ध्यान रखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो लिखिए यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू वो है, यहाँ पर लिखिए एस साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू। देयरफॉर अब वैल्यू पुट कीजिए अंडर रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू ए बी हमें दिया हुआ है, दैट इज 60, तो लिखिए यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय ए सी हमें निकालनी है, तो लिखिए यहाँ पर ए सी, राइट ए सी। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये मिलता है हमें ए सी इंटू अंडर रूट थ्री इक्वल टू 60 इंटू टू। ओके, देखिए ए सी इंटू रूट थ्री, 2 इंटू 60। देयरफॉर आप रूट थ्री को इधर पलटा दीजिए, है ना, तो ये हो जाएंगे ए सी इक्वल टू, हमें क्योंकि हमें चाहिए ए सी की वैल्यू। ओके, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 60 इंटू टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री। अब देखिए जो डिवीजन में जो है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो किस में है, वो है अंडर रूट में, तो हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट थ्री दिया हुआ है तो ऊपर नीचे हम अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर ए सी इक्वल टू 60 इंटू टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। देयरफॉर ए सी इक्वल टू 60 इंटू टू इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बिकम थ्री। ओके, थ्री। अब देखिए ये थ्री जो है, थ्री ट्वेंटी जा सिक्सटी। ओके, तो हमें मिलता है 20 इंटू टू। देयरफॉर ए सी इक्वल टू 20 इंटू टू विल बिकम 40, है ना, 20 इंटू टू विल बिकम 40, तो ये हमें मिलता है 40 रूट थ्री। बच्चों हमें रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 1.73। ओके, तो यहाँ पर लिखिए एस रूट थ्री इक्वल टू 1.73। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 40 इंटू 1.73। तो हमें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है ए सी की वैल्यू, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 69.2 मीटर। ओके, तो ये है ए सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस 6.2 का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू
69.2 मीटर। ओके, तो आइए चलो बच्चों अब करते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में प्रॉब्लम शिप नंबर 6। ओके आइए बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हमें देखे रखा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला सब क्वेश्चन दिया हमें दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वॉट। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि दो रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई होते हैं जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल्स है ना, तो दो रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है ना। तो हमें दिया हुआ है ए वन बी जीरो सी वन अपॉन टू एंड डी अंडर रूट टू। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए वन। ओके, उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ओके, हमें ऑप्शन दी हुई है ए वन वन अपॉन अंडर रूट टी अंडर रूट टू, बी अंडर रूट टू, सी अंडर रूट थ्री अपॉन टू एंड डी टू अपॉन अंडर रूट टू। तो करेक्ट ऑप्शन है बी अंडर रूट टू। ओके,